हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग कि आपकी जो इंग्लिश प्रैक्टिस है, लर्निंग है, वो अच्छी चल रही होगी। आप जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उन्हें पता ही होगा कि इट्स बीन अ ईयर सिंस आई स्टार्टेड दिस चैनल, और एक साल होने वाले हैं जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। सो इस चैनल पे करीब 200 वीडियोज कम्पलीट हो चुके हैं। सो कुछ ऐसे 12 वीडियोज मैं चूज करके लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। सो ये जो 12 वीडियोस हैं, वो आपको इसे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मैंने इस पे बहुत काम किया है और तब जाके ये वीडियोस बन पाए हैं। सो ये जो 12 वीडियोस जो भी मैं बताने वाली हूँ, अगर आपने इनमें से कुछ नहीं देखे हैं तो प्लीज एक एक करके आप जो है समय निकाल के जरूर इन वीडियोस को देखिएगा। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इन 12 वीडियोस के बारे में, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगे और आप समझे कि इन वीडियोस का इम्पोर्टेंस क्या है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो वीडियो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो है डेली रूटीन पे। जो डेली रूटीन का वीडियो मैंने बनाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ डेली रूटीन ही मैंने नहीं बताया, कुछ ऐसे भी वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे। मेरा एक सजेशन है, अगर आपको फ्लुएंसी लानी है अपनी इंग्लिश में, तो आप ऐसा कीजिए, उस डेली रूटीन को समझिए कि डेली रूटीन कैसे बोला जाता है, और अपना डेली रूटीन आप लिखिए उस वीडियो को देखने के बाद, और उसके बाद उसी डेली रूटीन को आप एक दो बार पढ़िए और सामने बोलकर देखिए। सो आप ये मत सोचिए कि आपके पास कोई बोलने वाला पार्टनर है कि नहीं, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी टॉय को रख लीजिए सामने और कोशिश कीजिए बोलने की कि आप उसी को डेली रूटीन बता रहे हैं। सेकेंड वीडियो मैं सजेस्ट करने वाली हूँ वो है हाउ टू स्पीक विथ योरसेल्फ। इसमें मैंने बताया है कि मैं कैसे इंग्लिश में बात करती हूँ खुद से और क्या डिफिकल्टीज मुझे फेस करनी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे टिप्स भी दिए हैं मैंने जो आपको स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। जो तीसरा वीडियो है वो लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट से रिलेटेड हम कई बातें बोलते हैं, जैसे लाइट गोल हो गया, लाइट आ गई, बार बार लाइट आ जा रही है, या बहुत ऐसी बातें होती हैं जो हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आप कैसे बोलेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कमेंट्स में कुछ और सेंटेंस दिए हैं लाइट से रिलेटेड जो मैंने वीडियो में मिस कर दिया था, तो कमेंट सेक्शंस में एक बार जाकर आप चेक जरूर कीजिएगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। फिर आपको लाइट से रिलेटेड कुछ भी बात बोलनी हो तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी और आप बोल पाएंगे अच्छे से। द फोर्थ वीडियो इज मौसम से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड। सो वेदर हमेशा मेरा फ्लक्चुएट करते रहता है और बहुत सारे सीजन्स होते हैं, तो कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होता है। सो मैंने कोशिश की है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं वेदर से रिलेटेड वो मैं आपको बता सकूं, और कुछ idioms भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। सो ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अब जो फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो है वो ड्रॉप और पुट से रिलेटेड है, मतलब ड्रॉप और पुट के जितने भी यूजेस होते हैं जो मुझे लगे वो मैंने बताए हैं। और हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जब पूरे यूजेस नहीं पता होते हैं तो हमें डाउट होता है जब भी हम न्यूज़पेपर्स या किसी को बोलते हुए सुनते हैं। तो ड्रॉप या पुट के जो जितने भी यूजेस होते हैं मैंने बताए हैं उस वीडियो में, आप इसे जरूर देखिएगा। इससे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी कवर किए हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हैज हैव हैड। सो कई लोगों को ये डाउट होता है कि हम हैड एक साथ कब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, और हैज हैव हैड के और भी यूजेस होते हैं जो मैंने डिटेल में कवर किया है। सो मैं चाहूंगी कि ये वीडियो तो आप मिस मत कीजिएगा, हो सके तो एक दो दिन में ही ये वीडियो देख लीजिए और उसे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो हैज हैव हैड का वीडियो मैंने बनाया है ये बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल हो सकता है। द नेक्स्ट वीडियो इज जूठा से रिलेटेड। सो जूठा खाना, जूठा बर्तन, बासी खाना, तो ऐसी चीजें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं पर इसका एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो जूठा का कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट आपको मिलेगा नहीं, तो मैंने जो नियर अबाउट मीनिंग हो सकता है जो इससे रिलेटेड है वही बताया है, क्योंकि जो जूठा का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंडिया में है, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वो वीडियो देखिए आप, कई लोगों को पसंद आया है, आपको भी पसंद जरूर आएगा। नेक्स्ट इज 10 फ्रेजेस जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें नई नई चीजें जानने का शौक होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो इज सपोज एंड सपोज टू। इसमें भी लोगों को डाउट होता है और कमेंट सेक्शन में कई बार मुझे लोगों ने बोला है कि आप इस पर वीडियो बनाइए, तो उनको पता ही नहीं है कि इस पर पहले से वीडियो बन चुका है। सो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बताने वाली हूँ वो है 20 कार ब्रांड्स का प्रोनंसिएशन। सो कार ब्रांड्स अक्सर जो है जर्मनी, इटली ऐसे जगह की होती है, ऐसे कंट्रीज की होती है, तो इनका प्रोनंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, और हमेशा हम जो है जो सुनते आए रहते हैं वही प्रोनंसिएशन करते हैं। इस वीडियो में आपको दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपको प्रोनंसिएशन पता चलेगा, प्लस आपको पता चलेगा कि कौन सी कार कौन से कंट्री को बिलोंग करती है, प्लस उस कार की फोटो भी होगी।
सो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो डिजाइन किया है। और अगर आपको लगता है कि आप कार के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या आपको इंटरेस्ट है कार ब्रांड्स के बारे में जानने का या प्रोनाउंसिएशन जानने का, सो कई लोग होते हैं जिन्हें पसंद होता है, तो अगर उनमें से हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताने वाली हूँ वो है नजर लगने नजर उतारने से रिलेटेड। सो इसमें जितनी भी चीजें होती है वो मैंने सारी कवर की है। और वीडियो के बारे में बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं कोई सुपरस्टिशन नहीं फैला रही हूँ। और ऐसा होता है ना कि कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता है, सो आप विश्वास करें या ना करें आपको कभी ना कभी ये तो बोलना पड़ सकता है कि मैं बुरी नजर जैसी चीजों पे विश्वास नहीं करता। जब आपको ऐसी चीजें इंग्लिश में बोलनी होंगी तब भी आपको जो है इंग्लिश इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी, या आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या आपने कहीं पढ़ा तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो डिजाइन किया है और ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आप एक वर्किंग पर्सन है या आप एक स्टूडेंट है, इट्स अप टू यू आप कैसे अपना दिन डिजाइन करते हैं और समय निकालते हैं इन वीडियोज को देखने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो एक दिन में आप दो वीडियोज भी देख सकते हैं, या आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एक करके जरूर इन वीडियोज को देखिएगा, ये आपको सच में बहुत हेल्पफुल होंगे। और सिर्फ देखिएगा ही नहीं, आप इन्हें बोलने की कोशिश कीजिएगा, अपने डेली यूज में जरूर लाइएगा। आई एम होपिंग कि ये 12 वीडियोज आपको पसंद आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी और ये वीडियोज और चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, मुझे ये पता चल जाता है कितने लोग सब्सक्राइब करके देखते हैं और कितने लोग जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा या आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे रेटिंग नहीं बढ़ेगी। सो अगर आपको पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल हो रहा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड देन वॉच। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो मेरा जो पेज है letterbetter01 इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। एक्चुअली कई लोग सोचते हैं कि यूट्यूब और इंस्टा के जो कंटेंट है वो सेम है, लगभग सेम है, बट बहुत सारी चीजें होती है जैसे क्विजेज होते हैं मैं उसमें डालते रहती हूँ, या कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो यूट्यूब से थोड़ा अलग होते हैं। इसीलिए अगर आपने इंस्टा ज्वाइन किया है तो letterbetter01 को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.